अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, जहां दुनिया के किसी भी देश में जाकर देखो, हमारे देश में सिकंदर आया, हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, ये हमारे देश को जीतने आए। आज तक आपने कभी सुना कि भारत ने किसी दूसरे देश को जीतने की कोशिश की हो? आज तक के इतिहास में आपने सुना कि भारत ने किसी देश को जीतने की कोशिश की हो? बताओ, भारत ने कभी किसी देश को जीतने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान रोज आतंकवादी भेजता है ना, लेकिन जरा सा है, भारत चाहे तो एक दिन में नक्शे से गायब कर सकता है पाकिस्तान को, एक दिन में। लेकिन भारत ने कभी अटैक नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक जरूर की एक बार, क्योंकि अंत तो करना है अति का, पर हमने किसी देश को कब्जा करने के भाव से हमला नहीं किया। किया हमने किसी को जीतने के हिसाब से हमने आक्रमण नहीं किया। भारत का व्यक्ति, भारत के लोग देशों को नहीं जीतते, दुनिया के लोग लोगों को जीतते होंगे। हम भारत के लोग हैं, हम लोगों को नहीं जीतते, क्योंकि हम असली विजेता उसे नहीं मानते जिसने देश जीते हों, जिसने राज्य और लोगों को जीते हों। हम असली विजेता उसे मानते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया हो। हमारे देश में मन को जीतने की परंपरा रही है, राजा महाराजाओं को जीतने की परंपरा नहीं रही। किसी के घर में घुस के उनकी बहन बेटियों को लूटने की परंपरा हम भारतीयों की नहीं रही, क्योंकि हम बहिर्मुखी नहीं थे कभी, हम अंतर्मुखी थे। हमारे यहां क्या जीता जाता है? मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरी फसाद की जड़ मन है, इसलिए जीतना किसे है? मन को। आपको नहीं जीतना, अपने आप को जीतना है। हमारे देश में सिकंदर आया, एक संत रास्ते में मिल गए। सिकंदर बोला, सिकंदर के सैनिकों ने कहा, रास्ता खाली करो, महाराजा साहब आ रहे हैं। एक संत जी पड़े थे, राजा साहब आ रहे हैं, संत जी हट जाओ। संत ने कहा, कह दो अपने राजा से कि राजाधिराज महाराज यहां भी राजे हैं, उससे भी बड़ा राजा मैं हूं। सिकंदर के पास सूचना पहुंचाई कि आपसे भी बड़े राजा सामने बैठे हैं। सिकंदर बोला, मेरे से बड़ा कौन है? जाकर देखा तो एक फक्कड़ साधु। सिकंदर हंसा, बोले तुम राजा हो? संत बोले हां। कैसे? संत जी ने सिकंदर से कहा, ये बताओ तुम कहां जा रहे हो? बोले हम फलाने राजा को जीतने जा रहे हैं। संत जी ने कहा, राजा को जीत कर क्या करोगे? बोले उसका धन प्राप्त कर लूंगा। संत जी ने कहा, धन प्राप्त करके क्या करोगे? बोले मैं और धनवान हो जाऊंगा। संत जी ने कहा, धनवान होकर क्या करोगे? धनवान होकर क्या करोगे? राजा बोले मैं धन पा करके विश्व विजेता हो जाऊंगा, सबको जीत कर। संत जी ने कहा, विश्व विजेता होकर तुम क्या करोगे? बोले क्या करेंगे? आराम करेंगे मस्त। संत जी बोले कि तुम इतना कुछ करने के बाद आराम करोगे, इतने पापड़ बेलने के बाद तुम जहां पहुंचोगे, हम वहां ऑलरेडी पहले से हैं। तुम जहां पहुंचोगे वहां हम ऑलरेडी आराम आनंद में ही हम, तुम सबको हरा के आनंद में होगे, हम अपने मन को जीत कर आनंद में हैं। तुम जगत को जीतना चाहते हो, हम मन को जीतना चाहते हैं।
आनंद उसे नहीं आता जो जगत को जीत ले, विश्व विजेता कहलाए। वो लोग भी परेशान हैं जो विश्व विजेता हैं। जीतना है तो अपने आप को जीतो, अपनी इच्छाओं को जीतो। आपके मन से आप जो चाहें वो कराएं, आपका मन आपके वश में हो ऐसा साधन कीजिए। कपिल भगवान ने कहा, माँ मन की गति बड़ी विकट है, चंचलम ही मनः कृष्णा, मन बड़ा चंचल है, इसे वश में कैसे किया जाए। अच्छा, आप लोगों ने कभी अपने मन को वश में करने का कोई उपाय किया? मैया, आपने कभी अपने मन, आप लोगों का प्रश्न क्या है? महाराज जी हमारा मन भटकता है। सबने हाथ उठा के बताया हमारा मन भटकता है। भटकता तो सबका है, प्रश्न ये नहीं है कि मन भटकता है, प्रश्न ये है कि भटकते हुए मन को कंट्रोल करने की आप लोगों ने प्रयास क्या किया, क्या प्रयास किए आप लोगों ने, क्या कोशिश की, क्या पुरुषार्थ किया? कोशिश की नहीं। जब आपने कोशिश नहीं की तो मन को आप वश में करेंगे कैसे? मन को वश में करने की कोशिश भी तो करनी थी। यदि बच्चा बिगड़ गया है तो बच्चे को सुधारने की कोशिश भी तो की जाती है, नशा मुक्ति केंद्र भी तो होता है, ये कोशिश ही तो है, हाँ या ना? तो आपके मन को आपने कभी समझाने की कोशिश की? नहीं समझाया, नहीं कोशिश नहीं की, तो फिर मन कंट्रोल कैसे होगा? इसलिए मन को समझाओ, मन को एकांत में ले जाओ और मन से सवाल करना स्टार्ट करो कि रे मन, हमने आज तक तेरी हर बात मानी। मन ने कहा ये खा लो, खा लिया। मन ने कहा यहां चलो, चले गए। मन ने कहा ऐसा करो, कर लिया। आज तक आपने बहुत सारी बातें मन की मानी है। एक सवाल अपने मन से करो कि मन, मैंने तेरी इतनी बात मानी, उसके बदले बता तूने मुझे क्या दिया? क्या दिया आपके मन ने? आपका मन करता है चाय पीने का, पी लेते हैं, पी ले, मन की मानो ना, तो चाय पियो पियो पियो। एक दिन बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा बीमारी है, डॉक्टर ने कहा शुगर हो गई आपको, चाय ना पीना, मिठाई ना खाना, फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है, पता है कि शुगर है, फिर भी आप चाय पी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मन आपको मरवाने के चक्कर में है। इसका मतलब ये है कि आपका मन, आप सारी बातें मानते हैं ना मन की, आपका मन सबसे बड़ा दुश्मन है। आप मानो मन की, शुगर जिसको 400 शुगर है, 300, उसका भी मन करता है रबड़ी खाने का, रसगुल्ला खाने का, तो मन तो मरवा डालेगा तुम्हारे, मन के हिसाब से चलेंगे तो, हाँ या ना? इसलिए मन की बातें ना मानो। कभी आपने उसे समझाई? सारी जिंदगी उसकी बात मानी। मन ने कहा कि चलो वहां चलते हैं, चले गए। फिर मन ने कहा वहां चलते हैं, चले गए। सारी जिंदगी मन घुमाया, घूमने से पेट भरा? इसका मतलब परेशान आपको पड़ोसी नहीं कर रहा है, आपका मन कर रहा है। उल्टी सीधी चीजें खाने का मन करता है और खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। उस बीमारी का जिम्मेदार है कौन? मन। मन की बात मान ली, पिज्जा बर्गर खाया, बीमार पड़ गए। मन पे कंट्रोल नहीं। जरूरत से ज्यादा भोगों की इच्छाएं, भोग भोगते गए, भोग भोगते गए, मन तृप्त हुआ नहीं। मन ने आपको भोगी बना दिया। क्या मिला इन भोगों से? कितना मजा ले लिया आपने, कितना सुख पाया? कुछ हाथ नहीं लगा, खाली तो आपके हाथ हैं, लेकिन ये मन आपको भोगी बना के बर्बाद किए जा रहा है, बर्बाद किए जा रहा है। और आपको लगता है हमारा मन अच्छा है? नहीं, तुम्हारा मन सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा।
उत्तर दो आप सब लोग, बताओ आपके मन ने आज तक आपको क्या दिया? भगवान में आपका मन नहीं लगता, बाकी सारे उल्टे कामों में आपका मन खूब लगता है। इसका मन, इसका मतलब ये है कि आपका मन बुरे लोगों से मिला हुआ है, इसलिए बुराई में ज्यादा लगता है। भगवान की कथा में मन नहीं लगता, निंदा चुगली में ज्यादा लगता है। ककड़ी सलाद, दाल चावल रोटी अच्छी नहीं लगती, पिज्जा बर्गर अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि आपका मन किसी और से मिला हुआ है, जो आपको बर्बाद करने पर तुला है। बोलो हाँ। तुम्हें भोगी किसने बनाया? तुम भोगी थोड़ी थे, तुम पैदा हुए थे तब भोगी थोड़ी थे। तुम्हारा मन स्ट्रांग होता गया, तुम्हारे मन ने तुम्हें भोगी बनाया। तुम क्रोधी थोड़ी थे, तुम्हें क्रोध नहीं आता था, तुम्हारे मन ने तुम्हें क्रोधी बनाया। तुम बीमार नहीं थे, तुम्हारे मन ने उल्टा सीधा खवा खवा के बीमार बना दिया। और दोष देते हो जमाने को। इसलिए साधु लोग, संत लोग, समझदार लोग दुनिया को नहीं जीतना चाहते, जीतेंगे तो अपने मन को जीत कर दिखाएंगे। मन पर कंट्रोल। रे मन तू सत्संग कर छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन, तुम्हारा मन सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण के मन ने रावण का विनाश कर दिया। रावण का मन हुआ सीता माँ, सीता को चुरा लें, सीता माँ को चुरा लाया। मन की बात मान ली ना रावण ने। भाई रावण जब सीता माँ को चुराने गया होगा तो उसके मन ने तो बोला होगा ना, बहुत सुंदर है ले आओ। तो मन की बात मान लिया, सर्वनाश हुआ। तुम्हारा भी मन पड़ोसन में जाता है, तुम्हारा भी मन पड़ोसियों में जाता है, और मान लोगे तो तुम्हारा भी सर्वनाश कराएगा ये मन। जितने लोग बलात्कार के केस में जेल में घुसे हैं, ये सारे लोग जेल में केवल इसलिए सजा काट रहे हैं कि इनका मन इनके कंट्रोल में नहीं था। बोलो हाँ। तो ये जेल जाने का मुख्य कारण इनका मन ही तो हुआ। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो मन को हल्के में ना लो मेरी माँ, तुम तो नाचने वाली हो, तुम्हें तो मन उंगलियों पे नचा रहा है। इसलिए मन के गुलाम ना बनो। साधु संत ऋषि मुनि, भारत का दर्शन आपको ये बताता है कि मन के गुलाम नहीं, मन को गुलाम बनाओ। मन को गुलाम बनाने की थ्योरी हमारे वेद पुराणों ने हमें दी, लेकिन तुम्हें समय कहाँ है। स्वयं पर नियंत्रण बड़ी बात है, स्वयं पर नियंत्रण बड़ी बात है। अभी उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हो गया, लगभग 300 लोग भगवत धाम को चले गए। बड़ा कष्ट, बड़ा पीड़ा हुई, बड़ी पीड़ा हुई ये जानकर, ये सुनकर कि ये हादसा हो गया। भगवान से तो यही प्रार्थना करते हैं कि मृत व्यक्तियों को भगवान अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को उस दुख को सहन करने की ताकत दें। वो हादसा क्यों हुआ जानते हैं? नियंत्रण नहीं है, लापरवाही है। किसकी है अलग विषय। जैसे किसी की लापरवाही हुई तो 300 लोगों की मृत्यु हो गई, एक की गलती से 300 लोगों को जाना पड़ा।
उसी प्रकार तुम्हारा मन है। यदि इस मन ने एक गलती की तो तुम्हारे 84 लाख जन्म बर्बाद हो जाएंगे, 84 लाख योनियां, फिर 84 का चक्कर। वहां तो 300 जिंदगी गई। यदि आपका मन एक बार अनकंट्रोल हुआ और आपका मन एक बार गलत जगह पर लगा तो 84 लाख योनियां होती हैं। ये सबसे आखिरी योनि है मनुष्य की। 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर हाथी तक, कीट पतंगा मच्छर मक्खी सब गिनो 84 लाख ही हैं। साइंस आज तक नहीं गिन पाया, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले गिन के बता दिया कि 84 लाख योनियां होती हैं। कितना साइंटिफिक है। 84 लाख योनियों में ये आखिरी शरीर है मानव का। यदि यहां से गलती करोगे तो फिर फिसल कर नीचे चले जाओगे, फिर 84 लाख योनियां पार करके कुत्ता बिल्ली मच्छर मक्खी बनकर फिर मानव का तन मिलेगा। ये शरीर जो मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो मिला है ये भोगी बनने के लिए नहीं, क्रोधी बनने के लिए नहीं, अभिमानी बनने के लिए नहीं, बल्कि ये शरीर भक्त बनकर भगवान को पाने के लिए मिला है। इसलिए आप अपने मन को फिसलने मत दो, आप अपने मन को यहां वहां भटकने मत दो, मन पर कंट्रोल करना सीखिए। मन की बात मानो मत, मन को मारो। मैया मन की बात मानोगी मेरी मां? नींद आ रही है आपको? मानोगी मन की बात की? मारोगी मन को? मानोगी? मन की मानोगी तो मन मार डालेगा आपको जल्दी। और मन को मारो, इसलिए मन को मारो, मन की मानो मत, मन को मारो। कैसे मारें? आओ हम उपाय बताते हैं। जैसे आपको शुगर है और सामने रसगुल्ला है और आपका मन भी है खाने का, लेकिन आपने नहीं, अरे हमें शुगर है खाएंगे तो हाई हो जाएगा, दिक्कत होगी, नहीं नहीं नहीं, आपकी बहुत इच्छा है फिर भी आपने नहीं खाया, आपने मन को मार दिया। मन को मार देने से आपकी जान बच गई, आपका फायदा हुआ। और आप मन की बात मान के खा लेते तो अभी हॉस्पिटल जाना पड़ता, जरूरत से ज्यादा इंसुलिन ठूसना पड़ता? बोलो हाँ। फिर इसलिए मेरी माँ, जब जब आपका मन आपको कुछ कहे तो उसे मानो मत, उसकी मार दो ना मन। कई लोग कहते हैं हमारा मन पूजा में नहीं लगता, भगवान में नहीं लगता। मन नहीं लगेगा, करोड़ों जन्म से भटक रहा है, एक दिन में लग जाएगा। अरे मन को समझाने में भी समय लगेगा। अभ्यासेन तु कौन्ते अवैराग्येण च गृह्यते, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास धीरे धीरे मन को समझाओ, रोज अच्छे से समझाओ, मन यहाँ ना लगो, मन यहाँ ना लगो, मन ऐसा ना करो। कल गुस्सा कर लिया, आज नहीं करेंगे। कल भोग भोग लिया, आज नहीं भोगेंगे। कल ये खा लिया, आज नहीं। धीरे धीरे खाने पर, भोगों पर, क्रोध पर धीरे धीरे कंट्रोल करिए। आज ही कर डालो ऐसा नहीं कहता मैं, पर धीरे धीरे करने से जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। एक एक बूंद इकट्ठा करने से एक दिन जल से घड़ा भर जाता है। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने से एक दिन व्यक्ति धनवान हो जाता है। थोड़ा थोड़ा दान करने से व्यक्ति एक न एक दिन बड़ा धर्मात्मा, बड़ा दानी हो जाता है। उसी प्रकार धीरे धीरे मन को कंट्रोल करेंगे तो एक दिन आप मन को जीतने वालों में सम्मिलित हो जाएंगे। कि मन को आपने धीरे 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 मन को हटाओ धीरे। उम्र हम तो कहते हैं कि 30 साल की आयु पर्याप्त है। 30 साल के हो गए, चलो तुम्हें 35 साल दिया। 35 साल के जब हो जाओ तो धीरे धीरे मन को हटाओ, ना कि उस उम्र में लगाओ। मन को लगाना नहीं पड़ता, मन ऑलरेडी लग जाता है। मन को हटाना पड़ता है, लगाने में दिक्कत नहीं है, है ना। शराबी बनने में शराब पीना नहीं सिखाना पड़ता,
शराब छोड़ना सिखाना पड़ता, छोड़ दो भैया। गुटखा तंबाकू खाना सिखाना थोड़ी पड़ता है, सीख जाता। बुरे काम नहीं सिखाने पड़ते मन को, मन क्योंकि उस बुरे काम का करोड़ों जन्मों से आदि है। आपका मन कोई आज का थोड़ी है, करोड़ों जन्म से आपका मन आपके संग है। आप जब ये मनुष्य का शरीर नहीं था आपका, आप बताओ आप लोग पिछले जन्म में क्या थे? मैया आप पिछले जन्म में क्या थे बताओ जोर से। नहीं, आप पिछले जन्म में गाय की योनि में थी। जो गौवंश होता है 84 लाख योनियों की अंतिम योनि गाय है, फिर गाय के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, गाय बैल के बाद मनुष्य का। तो हम लोग लगभग गाय इत्यादि की योनि में थे। उसके पहले हम अन्य योनि में रहे होंगे, कोई गधा रहा होगा, कोई भैंस रहा होगा, कोई नाली का कीड़ा रहा होगा, कोई कीट पतंगा रहा होगा, कोई मच्छर मक्खी, कोई सांप रहा होगा, कोई बिल्ली और कुत्ता रहा होगा। ये सारी योनियों से पार होते हम यहां तक आए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, शरीर तो बदल गया आपका, कुत्ते से मनुष्य हो गए, पर मन आपका वही कुत्ते वाला अभी भी है। शरीर बदलता है, मन नहीं बदलता, एक मन है। मोबाइल सेट बदलते चले गए, सिम नहीं बदली, नंबर नहीं बदला। बोलो हाँ, हर साल आप मोबाइल बदल देते होंगे पर आपका नंबर वही है, मन वही है, शरीर बदलते चले गए, मन कभी नहीं बदलता। पिछले शरीर में भी जो हमारा मन था वही था जो आज है, उसके पहले भी मन वही था, मन वही है। मन सारी योनियों को देखता आया है, मन हर योनि में। कुत्ता क्या करता है, कुत्ता क्या करता है? कुत्ते साल में 2 बार बच्चे पैदा करते हैं। बिल्ली हर 3-4 महीने में बच्चा पैदा करती है। चिड़िया, कीड़े मकोड़े, मतलब हर योनि में भोग भोगने की व्यवस्था है, हाँ या ना? हर योनि में खाने और पीने की व्यवस्था है, हर योनि में सोने की व्यवस्था है। कुत्ते को देख लो सोता है, गधे को देख लो सोता है, चिड़िया को देख लो सोती है, हर योनि सोती है, हर योनि खाती है, हर योनि बच्चे पैदा करती है। तुम्हारा मन हर योनि में ये 3 काम करता रहा, इसलिए तुम्हारा मन इस जन्म में भी इन 3 कामों में जल्दी से लग जाता है, भोगों में, खाने में और सोने में। दिन भर तुम सोते हो, दिन भर खाते हो, दिन भर भोग भोगते हो, बस। क्योंकि ये ऑलरेडी तुम करोड़ों जन्मों से यही करते आए हो, तो उसी का अभ्यास है। आज पहली बार तुम माला लेकर बैठे हो, सत्संग सुना तो माला जपना चाहिए, भगवान की पूजा करने बैठे, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। मन इसलिए नहीं लगता, करोड़ों जन्मों से मन भोगों में लगा था, इस योनि में इस जन्म से आज भगवान में मन लगाओगे, जल्दी कैसे लगेगा? इसलिए थोड़ा सा समय दो, मन ना लगे तो भी शरीर से भगवान की सेवा करो, धीरे धीरे मन लगेगा, क्योंकि करोड़ों योनियों से भटकता आया है। ये मन की गति कोई आज का थोड़ी भटकाऊ तुम्हारा मन है, ये तुम्हारा मन कोई आज से थोड़ी भटक रहा है। बच्चा होश संभालता है, होश संभालते ही उसका मन भटकने लग जाता है, हाँ या ना? छोटा सा है, मन भटकने लगा, क्योंकि भटकते भटकते करोड़ों जन्म हो गए ना, तो भटकने का अभ्यास ज्यादा है। स्थिर कभी हुआ नहीं मन, इसलिए स्थिर होने का अभ्यास नहीं है। वो तो भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दे दिया है, तो इस मनुष्य के शरीर से मन को स्थिर कर लो, क्योंकि 84 लाख योनियों में किसी भी योनि से मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। स्थिर किया जा सकता है तो केवल मानव के शरीर से मन स्थिर किया जा सकता है। इसलिए 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि है। मानव शरीर की इस शरीर से मन को वश में नहीं किया तो फिर कभी ना कर पाओगे, कभी ना हो पाएगा।
इसलिए मन को हटाओ संसार के हर विषयों से, हर चीजों से, और प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाओ। मन नहीं लगता महाराज जी हमारा, मन नहीं लगता महाराज जी हमारा, ये कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? मन लगाने के लिए ही आपको ये शरीर मिला है, पगले मानव शरीर। मन नहीं लगता इसलिए भगवान ने शरीर दिया है मानव का, कि इस मानव के शरीर को दे रहा हूं, इससे मन को लगा लेना प्रभु के चरणों में। फिर भी तुम चिल्ला रहे हो मन नहीं लगता, नहीं लगता, और ना लगे इसके पहले ही मन नहीं लगा और मर गए तो फिर 84 चक्कर, 84 लाख लेसन 1 लेसन 2 पार्ट 1 पार्ट 2, फिर वही 84। 10वीं फेल हो गया कोई बच्चा तो फिर पाठ 1 पढ़ेगा, फिर पाठ 2 पढ़ेगा। मानव के शरीर से भगवान को नहीं पाया तो फेल, फिर 84 नाली का कीड़ा बनेगा। पहली योनि है नाली का कीड़ा, पहली योनि है नाली का कीड़ा, अंतिम योनि है गाय, गाय के बाद मनुष्य। सब भोग भोगा के फिर ये शरीर मिलता है, इसलिए कहते हैं ना बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बोलो मेरे संग, बड़े भाग्य, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर। हल्के में ना लो, पैसे कौड़ी के पीछे भागते रहते हो आप लोग। पैसे तो, पैसों का कोई मूल्य नहीं है। बताओ शरीर का मूल्य ज्यादा है कि पैसों का, बता दो जरा। आपकी, आपके प्राणों का मूल्य ज्यादा है या पैसों का? हाँ, अरे प्राणों को बचाने के लिए लोग अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा देते हैं। मतलब पैसों का कोई मूल्य, एक प्राणों को बचाने के लिए आदमी सारी जिंदगी की कमाई खर्च करने को तैयार है, हाँ या ना? इसका मतलब पैसों से कीमती प्राण है, और वो प्राण आप लोगों के पास हैं और चले गए तो पैसा तो जहां की तहां रहेगा, ये प्राण ना रहेंगे जहां की तहां। इसलिए पैसों के चक्कर में प्राण ना गवाओ, अपने प्राणों को, अपनी वायु को, अपने श्वासों को भगवान के श्री चिंतन में लगाओ, गोविंद के स्मरण में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, क्योंकि भोगना कोई और ना आएगा भोगने। जैसी करनी वैसी भरनी, आज की आ कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाए। हाँ,